हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वह है न्यूमेरिकल्स प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के ऊपर, जिसमें जो हमारा सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इससे पहले भी फ्रेंड्स मैं बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूं जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल न्यूमेरिकल के नाम से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। या फिर हमने एक डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए एक सोम डिप्लोमा के नाम से एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है, उसमें सारे जो भी वीडियो में डालता हूँ उसको सेपरेट कर दिए उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक देता हूँ डायरेक्ट, उसमें डायरेक्ट क्लिक करके भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के लिए आप राइट साइड में देखेंगे कि उल्टा एरो बना हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो नीचे की ओर जाएंगे तो देखेंगे एक टॉपिक लिखा है, उसके सामने एक लिंक दी गई है, उस लिंक पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो। सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद हम गिवन डाटा लिखते हैं, उसके बाद एक डायग्राम के थ्रू हम फॉर्मूले समझाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। इसलिए लिखा अ पॉइंट इन अ स्ट्रेन मटेरियल, एक मटेरियल है इज सब्जेक्टेड टू टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेस। अब इसमें क्या कंडीशन आ गई नई, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 200 मेगापास्कल एंड 100 मेगापास्कल। डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, क्या निकालना, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस ये फाइंड आउट करना ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड, कितना इंक्लाइंड, 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ माइनर टेंसाइल स्ट्रेस। हिंदी में आप यहां से देख सकते हैं गिवन डाटा है, एंगल कितना दे रहा है, इतना फाइंड आउट क्या करना, लंबी स्पर्श दिया और परिणाम, मतलब नॉर्मल, सियर और रिजल्टेंट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने क्या किया, गिवन डाटा लिख लिया जो आपको सामने दिख रहा है, क्या क्या टेंसाइल स्ट्रेस दिया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स एक्स डायरेक्शन में, वाई वाई एक्सिस में, तो यहाँ एक्स से स्पेसिफाई कर दिया और यहाँ वाई से स्पेसिफाई कर दिया। तो हम क्या कैसे मानते हैं इसमें, जब न्यूमेरिकल में गिवन ना हो कि एक्स डायरेक्शन में कितना लग रहा है, वाई डायरेक्शन में कितना लग रहा है, तो जो पहले वाला दिया जाता है, जो क्या है, जो पहले वाला दिया जाता है उसको हम एक्स मान लेते हैं, जो दूसरा वाला दिया जाता है उसको हम वाई मान लेते हैं। जो एंगल दिया ऑलरेडी और जो गिवन डाटा है, नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है, शियर स्ट्रेस निकालना है, रिजल्टेंट। अब इसकी कुछ फॉर्मूले समझते हैं डायग्राम के थ्रू कि क्या कंडीशन दी इसमें। जो कंडीशन दी है उसमें मैं बोल रहा, पहले तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर ये मेगा पास्कल, इसको हम किस में चेंज कर लेते हैं, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, ये हो जाएगा 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है, मेगा पास्कल इक्वल टू होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, जितनी वैल्यू दी उतनी रखते हैं, क्योंकि मेगा इक्वल टू होता है 10 की पावर 6 यहां रखेंगे, और पास्कल इक्वल टू होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर को हम जब एमएम में चेंज करेंगे तो 10 की पावर 3 × 10 की पावर 3 में का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 की पावर 6 हो जाएगा, ऊपर मेगा पास्कल को चेंज करेंगे 10 की पावर 6 से, वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए दोनों की जो वैल्यू रहती है मेगा पास्कल इक्वल टू न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बराबर रहती है। अब इसको समझते हैं, वो कह रहा है एक प्लेन है, एक फ्रेंड्स क्या है, प्लेन है, इस तरह का एक प्लेन है, उस पर बोल रहा है कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, कैसे टू लग रहा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे से लंबवत डायरेक्शन में, यहां मान लिया ये डायरेक्शन में लग रहा है। लंबवत डायरेक्शन कैसी होती है, जो प्लेन होते है, ये होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल प्लेन, यहां पर क्या लग रहा है, ये हो गया मान लिया मैंने वाई डायरेक्शन, ये हो गया एक्स एक्स डायरेक्शन, दोनों ही कैसे टेंसाइल है, बोल रहा है कि यहां से एक एंगल बना रहा है प्लेन जो कट कर रहा है, थीटा है, इसकी उसने वैल्यू दी है। अब थीटा बोला तो यहां पर जब एक कटेगा यहां से एक इंक्लाइन प्लेन से तो कुछ ना कुछ शियर डेवलप होगा, शियर डेवलप होगा उसको भी फाइंड आउट करना है, और नॉर्मल स्ट्रेस जो भी लगेगा वो भी निकालना है। तो इसके कारण जो फॉर्मूले बनते हैं उसको आप नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस, जो नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है होता सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन टू कॉस टू थीटा।
ये होता नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला। इसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला था वो था शियर स्ट्रेस का, वो था सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन टू साइन टू थीटा। जो थर्ड फॉर्मूला होता है वो था रिजल्टेंट स्ट्रेस का, जिसको हम सिग्मा आर से डोटेड करते हैं। उसका जो होता है रूट के अंदर ये जो दो वैल्यू निकालेंगे इनका स्क्वायर और रूट, सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर इसका रूट। तो फ्रेंड्स ये तीन फॉर्मूले यूज करते हुए हम क्या करेंगे इसकी जो भी तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू पे चलते हैं, सबसे पहले सिग्मा एन निकालेंगे क्योंकि सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना और आंसर निकालना। तो सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस निकालते हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये फॉर्मूला उतार लिया, इसमें वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट। अभी आपको इससे पहले मैंने न्यूमेरिकल लगाई थी जो उसमें दिख रहा होगा, उसमें ओनली मैंने कह लिया था सिग्मा एक्स बाय टू माइनस सिग्मा एक्स बाय टू कॉस थीटा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक स्ट्रेस लग रहा था। इसमें क्या रहा है, दो स्ट्रेस लग रहा है और एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो प्लेन कैसा है, इंक्लाइंड है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। तो दोनों में आप डिफरेंस समझ जाएंगे फॉर्मूले में, क्योंकि इसमें टू स्पष्ट टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर जो आप न्यूमेरिकल में दिख रहा है कंडीशन दी डायरेक्ट, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन और दो ही यहाँ पर स्ट्रेस दिए एक्स और बाई डायरेक्शन में। तो फ्रेंड्स हम इसको इसमें वैल्यू पुट करते हैं और डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। इसमें देखा है सिग्मा एन की जगह सिग्मा एन लिख देंगे, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 200 प्लस सिग्मा वाई की कितनी 100 ऑन टू माइनस 200 माइनस 100 टू, ये हो जाएगा कॉस 2 इंटू कितना एंगल दिया 30। उसको अगर और आगे फाइंड आउट करते तो यहां पर अगर इन दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड करेंगे तो लगभग आएगा 150 प्लस, सॉरी ये माइनस है, माइनस इसमें से माइनस करेंगे तो 100 बचेगा, 2 का डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना बचेगा 50 इंटू ये हो जाएगा कॉस 2 का मल्टीप्लाई 30 का है तो 60 हो जाएगा। कॉस 60 की जो वैल्यू निकालेंगे तो लगभग आएगी 0.5, इसकी कॉस 60 की, कॉस 60 की वैल्यू कितनी की 0.5। अगर इसको हम सॉल्व कर दें सिग्मा एन 150 में से 50 का इंटू 0.5 में कर देंगे तो कितना बचेगा, लगभग बचेगा 25, क्योंकि 1/2 होता है 0.5 तो उसका इसमें कट करेंगे तो 25 बचेगा, 25 को 150 में से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 125 यूनिट की आएगी स्ट्रेस की न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो फ्रेंड इस तरह मैंने क्या निकाला, स्ट्रेस निकाल दिया। ये फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल में डायरेक्ट वैल्यू पुट करना, हम निकालेंगे शियर स्ट्रेस। तो फ्रेंड नेक्स्ट फॉर्मूला लिख लिया मैंने, शियर स्ट्रेस ऑन द इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई टू साइन टू थी, जो मैं पहले ही फॉर्मूला आपको बता चुका हूं, आप भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं यहां से। तो वैल्यू दिए सिग्मा एक्स की यहां पर देख रहे हैं 200 दिए, सिग्मा वाई की दिए वो दी 100 दिए, दोनों ही टेंसाइल में तो दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू थी, और थीटा इक्वल टू दिया 30। इन सारी वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो यहां अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं तो यहां जाएगा 200 माइनस 100 अपॉन 2 साइन 2 इंटू 30, इस तरह वैल्यू आएगी। अब इसको फ्रेंड्स अगर आगे बढ़ाते हैं तो इसका इसमें माइनस होकर 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 50 बचेगा इंटू इस साइन 2 इंटू 30, मतलब 2 इंटू 30 का अगर 2 का 30 में कर देंगे तो 60 हो जाएगा, और 60 का साइन अगर अपने मान निकालेंगे जो भी वैल्यू निकालेंगे तो साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.866। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें जो वैल्यू आएगी समथिंग आएगी 43.3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इस तरह फ्रेंड मैंने क्या किया, टाउ मतलब शियर स्ट्रेस की भी वैल्यू निकाली, और नेक्स्ट है रिजल्टेंट स्ट्रेस, उसका फॉर्मूला भी नोट डाउन करते हैं, उसकी जो भी वैल्यू है उनको पुट करके आंसर निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला लिख लिया रिजल्टेंट स्ट्रेस का, सिग्मा आर इक्वल टू होता है रूट के अंदर सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर, जो पहले ही बता चुका हूं मैं। यहां पर आपको फॉर्मूला बता चुका हूं कि अगर कोई प्लेन है उस पर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शन में अगर स्ट्रेस लग रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला ही बनते हैं। इसमें देखेंगे सिग्मा एन की जो वैल्यू मैंने फाइंड आउट की उसको रखेंगे 125 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, सिग्मा टाउ जो टाउ की भी वैल्यू मैंने कितनी फाइंड आउट की 43.3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, दोनों वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। सिग्मा आर इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर
जो वैल्यू है पहली कितनी है 125 का स्क्वायर प्लस ये 43.3 का स्क्वायर। इसका अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे और उसका रूट ले लेंगे तो सिग्मा आर इक्वल टू जो फ्रेंड्स वैल्यू आएगी वो आएगी 132.3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये तीनों वैल्यू फाइंड आउट करने दिए हमें तो तीनों ही निकाल लिए, देखेंगे रिजल्टेंट स्ट्रेस ये हो गया, शियर स्ट्रेस ये हो गया, इसके अलावा जो मैंने नॉर्मल स्ट्रेस निकाला वो ये हो गया। तीनों की सर फ्रेंड्स जो भी वैल्यू मैंने फाइंड आउट की बहुत ही फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल था, जो डायरेक्ट अगर मुझे पता है कि इसमें सिग्मा एक्स क्या है सिग्मा वाई क्या है तो हम डायरेक्ट जो भी फॉर्मूले मैंने जो यहाँ पर डिस्कशन किए ये फॉर्मूले आप याद होंगे कि टू कंडीशन में जब दोनों एक्सिस में फोर्स लग रहे हो तो फॉर्मूला ये बनते हैं। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें फ्रेंड्स को भी बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।